हेलो एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल द वन एंड ओनली प्रोडक्ट सिंह भारद्वाज। कैसे हैं आप सब लोग? और ये वीडियो है रिगार्डिंग टूरिज्म अपडेट्स। तो क्या टूरिज्म अपडेट्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं, ऑल इन दिस वीडियो, जस्ट वन वीडियो। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को जरूर सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस के अंदर मैं जो है एक स्पेशल सीरीज के तौर पे आपके साथ जितने भी ट्रैवल अपडेट्स हैं जो मुझे पता लगते हैं वो कंसोलिडेट करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होप यू विल फाइंड दिस यूजफुल। लेट्स बिगिन। सबसे पहला अपडेट है यहाँ पे हांगकांग की तरफ से गुड न्यूज, जो कि फ्राइडे की है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि क्वारंटीन पीरियड हांगकांग ने हटा दिया है लोगों के लिए। मतलब कि पहले 7 दिन का था कुछ महीने पहले, फिर 3 दिन का किया और अब कोई क्वारंटीन नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, आई एम नॉट वेरी हैप्पी टू सी दिस अपडेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे आपको जो है नेगेटिव PCR रिपोर्ट चलने से पहले करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसकी बजाय आपको एंटीजन टेस्ट कराना पड़ेगा जिसकी वैलिडिटी 24 घंटे के बीच की होनी चाहिए, उससे पुराना वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक ऑन अराइवल PCR टेस्ट यहाँ पे आपका किया जाएगा जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। फर्क ये है कि यहाँ पे अब आपको डेजिग्नेटेड होटल्स चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एकोमोडेशन अपनी चॉइस का ले सकते हैं। लेकिन अगले 3 दिनों के लिए आपको अपनी हेल्थ जो है वो मॉनिटर करनी है। एक क्लॉज जो इन्होंने बीच में यहाँ पे डाला है जो कि शायद आपको भी अच्छा लगे, आप बताना आपकी क्या राय है। तो इन्होंने PCR टेस्ट भी अभी मैंडेटरी रखे हैं लोगों के लिए। मतलब क्वारंटीन तो हटा दिया, लेकिन दूसरे दिन आपके स्टे के दूसरे दिन 4th day and 6th day आपको इन 3 दिनों के लिए अपना PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट आपको डेली करवाना पड़ेगा अगले 7 दिनों के लिए आफ्टर अराइवल। तो आप बताएं आपको ये अपडेट कैसा लगा। आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद हांगकांग चेंजेस, ठीक है। और इन्होंने क्वारंटीन हटाया है इसलिए क्योंकि 1-2 इवेंट जो है नवंबर में होने जा रहे हैं कंट्री के अंदर, लेकिन इट इज स्टिल नॉट फ्रेंडली फॉर द पीपल, इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर द पीपल टू ट्रैवल टू हांगकांग। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट है ताइवान की तरफ से। तो ताइवान भी जो है अक्टूबर 13 से रिस्ट्रिक्शंस को कम करने जा रहा है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा जहां पे मैं सारे साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल अपडेट शेयर करता हूं। इस वीडियो में जो भी करंट रिक्वायरमेंट्स है वो शेयर आपके साथ करूंगा, लेकिन अक्टूबर 13 से आप रिस्ट्रिक्शंस और कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस। आगे बात करते हैं इंडोनेशिया की यहाँ पे। और इंडोनेशिया के केस के अंदर क्या है कि इन्होंने अब ई वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी स्टार्ट की है। ध्यान रहे इट्स नॉट ई वीजा, इंडोनेशिया ई वीजा जो B211A होता है ये वो वीजा नहीं है, ई वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी VFS इंडोनेशिया की इंडिया की जो साइट है उसके थ्रू अब आप बहुत इजीली घर बैठे ई वीजा ऑन अराइवल अप्लाई कर सकते हैं इंडोनेशिया का, अगर आप बाली जाते हैं, जकार्ता जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो वीजा ऑन अराइवल है एक्चुअली जो आप जब फ्लाई करते हैं कंट्री में पहुंचते हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी चालू है। लेकिन एक ई वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी टू इज बीइंग स्टार्टेड एज अ फास्ट ट्रैक सर्विस एक्चुअली, टू इन अदर वर्ड्स यहाँ पे VFS आपको 2 सर्विसेज देगा, एक तो स्टैंडर्ड सर्विस है, एक एक्सप्रेस सर्विस है। दूसरी वीजा ऑन अराइवल के अगर आप चार्जेस देखें इंडोनेशिया के केस में है वो है $35, और VFS की फीस अगर आप स्टैंडर्ड सर्विस लेते हैं वो है एडिशनली $30, $65 का टोटल आपको जो स्टैंडर्ड वीजा है वो आपकी होम कंट्री से पड़ेगा। अगर आप इनकी एक्सप्रेस सर्विस यूज करते हैं उसकी कॉस्ट है, सर्विस फी की जो कॉस्ट है $35 के ऊपर जो वीजा ऑन अराइवल की कॉस्ट है वो है $92.50। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे थाईलैंड की तरफ से। और थाईलैंड के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर ने बहुत बड़े अनाउंसमेंट किए हैं लास्ट वीक। और यहाँ पे जो लोग कोविड इन्फेक्टेड भी हैं वो भी थाईलैंड में एंटर कर सकते हैं क्योंकि सिवियरिटी बीमारी की ओवरऑल जो है काफ़ी माइल्ड हो गई है ड्यू टू वैक्सीनेशन रेट। और इस वक्त थाईलैंड के अंदर भी वैक्सीनेशन रेट ड्राइव बहुत अच्छा चल रहा है। अभी बच्चों के लिए रिसेंटली उन्होंने जो बच्चे 5 से 11 साल के बीच में उसका बूस्टर डोज कैंपेन भी शुरू किया है। मास्क पहने मैंडेटरी नहीं है लेकिन गवर्नमेंट लोगों को इंसिस्ट करती है, इनकरेज करती है कि वो मास्क अभी भी पहने अगर पब्लिक प्लेसेस में वो जाते हैं। और जो लोग इन्फेक्टेड हैं उन्हें फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क पहन के रखना है अगर वो इन्फेक्टेड हैं कम से कम 5 दिनों के लिए। ये लोग जो खासकर इन्फेक्टेड होंगे उनको कोई भी एंटीजन टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है 5वें दिन, और कोई आइसोलेशन उनके लिए नहीं है। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है यहाँ पे अक्टूबर 1 से शुरू होने जा रही है। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उन्हें वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स अब दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग अक्टूबर 1, और COVID-19 के टेस्ट रिजल्ट किसी भी किस्म के नहीं दिखाने, नॉट रिक्वायर्ड। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे बैंकॉक में पैसेंजर वैलिडेशन सिस्टम मशीन्स जो हैं लगाई गई हैं। मतलब जब आप चेक इन करते हैं, चेक इन करने के बाद आप इन मशीन्स को स्पॉट कर सकते हैं डिफरेंट गेट्स पे। द पर्पस इज टू प्रिवेंट
अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल फ्रॉम एंटरिंग द एयरपोर्ट एंड एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, और जो लोग बोर्डिंग पास जिनका ऑलरेडी प्रोसेस हो गया वो दोबारा बोर्डिंग पास को यूज ना कर सकें, इसलिए भी इन मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे बैंकॉक में। नेक्स्ट अपडेट है, बहुत ही अच्छी खबर है दुबई यूएई की तरफ से। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं दुबई के अंदर, तो जब आप वैट रिफंड लेते हैं तो अब आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा उसके लिए। मतलब कि जब आप शॉपिंग कर रहे हैं और एक रिटेल आउटलेट पे हैं, सामान खरीदने के बाद चाहे आप चार आइटम खरीदें चाहे आप एक आइटम खरीदें, अब आपको जो वैट रिफंड फॉर्म है वो भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है उन्होंने अब इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। मतलब नो पेपर वर्क इज रिक्वायर्ड एट ऑल। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इनका, बेसिकली जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं यूएई में उनके साथ लिंक्ड होगा। तो अब बेसिकली होगा ये कि आप अपना ईमेल एड्रेस, जब भी आप कोई चीज खरीदेंगे अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे उस रिटेल आउटलेट को, वो आपको एक ई रिसीट इशू करेगा आपके फोन पे या आपकी ईमेल पे, वो आपको एयरपोर्ट पे दिखाना है टू क्लेम वैट रिफंड। तो मतलब ये है कहने का कि अब पहले जो बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते थे लोगों को, उसको भरने की जरूरत नहीं बचेगी। एडवांटेज ये है कि आपका टाइम बचता है, लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है शॉपिंग करने के लिए, टूरिज्म को इनकरेजमेंट मिलती है, और पेपर भी जो है बचाया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट है ओमान की तरफ से, और ये शॉर्ट टर्म विजिटर्स के लिए नहीं है लेकिन एक्सपैट्स के लिए है। तो जो लोग ओमान में जॉब करते हैं या वहाँ रहते हैं या रेजिडेंट कार्ड है जिन लोगों के पास, टोटल अगर मैं एक्सपैट्स की बात करूँ यहाँ पे 632,000 समथिंग जो एक्सपैट्स हैं इस वक्त वर्ल्ड वाइड से ओमान में काम कर रहे हैं, दे लिविंग इन ओमान। और अब इनका पासपोर्ट स्टैम्प नहीं किया जाएगा अगर ये वापस लौट के ओमान में आते हैं, और इनका जो रेजिडेंट कार्ड है सिर्फ वही एयरपोर्ट पे देखा जाएगा और उसके बेसिस पे इनकी स्टैंपिंग होगी। नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पे बात करते हैं, और यूएस ने जो गोल्डन वीजा है उसके जो नॉर्म्स हैं उसके जो रूल्स हैं वो इजी की हैं लोगों के लिए। मतलब जो गोल्डन वीजा उसकी कैटेगरी है EB5, तो इसमें क्या है इमिग्रेशन प्रोसेस लोगों के लिए और भी आसान कर दिया गया है, खासकर उन लोगों के लिए। और इस वीजा में क्या होता है, बेसिकली लोग वहां जाके रह सकते हैं, दे कैन वर्क, दे कैन स्टडी, दे कैन रिटायर इन US, ठीक है। एंड बेसिकली अगर आप इस प्रोग्राम को देखें, दिस इज मेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स टू ऑब्टेन US ग्रीन कार्ड्स फॉर देमसेल्व्स और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए। इस वीजा को क्वालिफाई करने के लिए अगर आपके पास 8 लाख US डॉलर्स हैं और आप यू रेडी टू इन्वेस्ट इन सम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और एंटरप्राइज देयर, तो आप ये वीजा गोल्डन वीजा प्रोक्योर कर सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है कनाडा की तरफ से, कनाडा ने CRS स्कोर, जो लोग PR के लिए जाना चाहते हैं, CRS स्कोर को कम करा है। मतलब 511 था पहले, 510 कर दिया है। और अगर आपका स्कोर मिनिमम 510 अचीव हो जाता है तो आपको इन्विटेशन मिल सकता है कनाडा परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। थोड़ी सी हम फ्लाइट्स की आगे बात करते हैं, और यहाँ पे गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर यू विल सी इंटरनेशनल चार्टर फ्लाइट्स कमिंग इन फ्रॉम 8 डिफरेंट कंट्रीज। तो उनमें वो जो कंट्रीज हैं वो है कुआलालंपुर, टेल अवीव इसराइल, गेटविक इन UK, बहरेन रशिया, अल्माटी इन कजाकिस्तान, मैनचेस्टर इन UK एंड मस्केट फ्रॉम ओमान। तो ये जो चार्टर फ्लाइट्स हैं ये बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है, और नवंबर में एक्सपेक्टेड है ये फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट है एयर इंडिया की तरफ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो में डालना चाहता हूँ। तो अगर आपको रिफंड चाहिए, अगर आपका पैसा कभी फंस गया था, आप फ्लाइट नहीं पकड़ पाए थे किसी भी रीजन की वजह से, फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो आप इनका इन्होंने एयर इंडिया ने एक स्पेशल रिफंड ड्राइव शुरू किया है, और उसके तहत आप अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डाल के जो है अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सो बेसिकली उनका पर्पज़ ये है कि उन्होंने जो रिफंड प्रोसेस है उसे थोड़ा फास्ट किया है और स्मूथ किया है लोगों के लिए। मतलब कि अब आपको ट्रैवल एजेंट या थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप एयर इंडिया को एक फॉर्म भर के, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू स्पेसिफाई इज कि आपने फ्लाइट्स कहाँ के लिए बुक की थी अपनी, और कहाँ से, किस वेबसाइट से आपने अपनी फ्लाइट बुक की थी। आपको ई टिकट नंबर देना पड़ेगा, PNR फ्लाइट की डिटेल्स, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और क्या रीज़न था, मतलब कि कैंसिलेशन का डिले, नोटिसेस, जो आइटनरी थी, रिसीट्स थी आपके पास, वो सब आपको यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। और एक पूरा छोटा लंबा फॉर्म है, छोटा नहीं मैं कह सकता, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसे यूज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट अपडेट है अकासा एयर की तरफ से, तो अकासा एयर ने आपको पता रिसेंटली शुरू किया है, तो 5वां एयरक्राफ्ट अपनी फ्लीट में डाला है दिल्ली रूट के लिए, ठीक है। दिल्ली बैंगलोर एंड दिल्ली अहमदाबाद की रूट्स की फ्लाइट रहेंगी, जो कि अक्टूबर 7 से शुरू होने जा रही हैं।
सिर्फ अभी 2 महीने हुए अकासा एयर को शुरू हुए और यहाँ पे 5वां एयरक्राफ्ट उन्होंने अपने बैंगलोर दिल्ली के रूट के लिए और दिल्ली अहमदाबाद रूट के लिए शुरू किया। इसके अलावा अभी रिसेंटली अहमदाबाद बैंगलोर का रूट भी शुरू होने जा रहा है ऑन October 7th। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है जजीरा एयरवेज की तरफ से। इन्होंने 2 फ्लाइट शुरू किए हैं तिरुवनंतपुरम और बैंगलोर के बीच में। ये फ्लाइट जो है शुरू होंगी October 30th से और November 30th से रिस्पेक्टिवली कह सकते हैं। कुवैत बैंगलोर की फ्लाइट्स रहेंगी और थर्सडे और संडे को ये फ्लाइट उड़ेंगी और बैंगलोर से रिटर्न करेगी ये फ्लाइट कुछ मॉर्निंग के अंदर, अर्ली मॉर्निंग का कुछ टाइमिंग्स होंगे वो मेरे पास अभी नहीं एग्जैक्टली। नेक्स्ट अपडेट है इंडिगो की तरफ से। तो इंडिगो ने डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की है बिटवीन मुंबई एंड रस अल खैमा। ये मिडिल ईस्ट में डेस्टिनेशन है और डायरेक्ट फ्लाइट्स डेली चलेंगी मुंबई से। फ्लाइट नंबर 6E1371 डिपार्ट करेगी मुंबई से टर्मिनल 2 से रात को 11 बजे और रस अल खैमा के लोकल टाइम के हिसाब से रात को 12:35 पर ये फ्लाइट लैंड करेगी। मुंबई के रिलेटेड एक और अपडेट यहाँ पे कि मुंबई एयरपोर्ट की जो फ्लाइट ऑपरेशन है उन्हें सस्पेंड किया जाएगा सुबह 11 बजे से लेके 5 बजे तक शाम के October 18th को। उसका रीजन ये है कि जो रनवे रिपेयर वर्क चलेगा आफ्टर द मानसून सीजन, तो ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से उस दिन फ्लाइट्स और फ्लाइट ऑपरेशन जो हैं डिस्टर्ब्ड होंगे 18 अक्टूबर को। मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से एक और अपडेट कि फ्लाइट ऑपरेशंस जो है उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सस्पेंड की जाएंगी सर्विसेज एयरपोर्ट पे, मतलब कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक October 18th को, बिकॉज अभी रनवे रिपेयर वर्क चलना है क्योंकि बारिश की वजह से इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेंटेनेंस। उसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस विल बी डिस्टर्प्टेड फॉर सम टाइम ऑन October 18th। ऑलराइट गाइस, तो ये थे कुछ अपडेट्स इस वीडियो में आप सब लोगों के लिए टूरिज्म अपडेट्स। और कोई और अपडेट्स मेरे को मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट वीक आपके साथ वीडियोस में डालूंगा। यूजुअली हम साउथ ईस्ट एशिया रीजन पे काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मेरा एक मोटिव ये भी रहा है कि मैं एडिशनली और कंट्रीज के बारे में, फ्लाइट्स के बारे में खासकर आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करता रहूँ किसी सेपरेट वीडियोस के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताना है आपने। गिव दिस वीडियो लाइक थम्स अप एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम। आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।